प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या बीजेपी का क्या कहना है, क्या जम्मू कश्मीर है इस स्थिति में है प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए। क्या राजभवन बीजेपी की बात नहीं सुन पा रहा है? एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हैं और भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक पत्रकार रविंद्र रैना के पीछे पीछे चलता है कि सर, जम्मू कश्मीर में ये मसला है, इसका जवाब तो दीजिए। और इस पे खामोशी की चादर ओढ़े रविंद्र रैना गाड़ी में बैठे रहते हैं। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको पूरा मुद्दा बताएंगे, खबर क्या है वो बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसे कौन से सवाल पत्रकार साहब ने पूछ दिए जिसके बाद रविंद्र रैना की बोलती बंद हो गई, भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई। क्या कारण थे? ये स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ही है और इनके पीछे पत्रकार माइक लेकर जा रहे हैं और उनसे कह भी रहे हैं कि सर, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। और इसी तरीके से नायक फिल्म में जैसे अमरीश पुरी ने मुंह पर चुप्पी साधने का जो इशारा कर रखा था, ठीक वही स्थिति रविंद्र रैना की दिखाई पड़ती है, वो खामोश हो जाते हैं। क्या मामला है, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। रविंद्र जी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए रविंद्र जी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में रविंद्र साहब प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या बीजेपी का क्या कहना है प्रॉपर्टी टैक्स? क्या जम्मू कश्मीर है इस स्थिति में है प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा सर, कुछ तो बोलना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। क्या राजभवन बीजेपी की बात नहीं सुन पा रहा है? एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो देखा आपने, रविंद्र रैना से पत्रकार साहब ने पूछा कि सर, जम्मू कश्मीर के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों थोपा जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स देना सही है क्या, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? रविंद्र रैना की बोलती बंद, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से जो ऑपरेशन होता है, एलजी साहब जो निर्णय लेते हैं वो केंद्र से ऑपरेट होते हैं, तो ऐसे में जो ऊपर से आदेश आया जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लेना है और लोग नाराज हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गया, भाजपा बुरी तरीके से फंस गई यहां पर। और फिर देखिए, रविंद्र रैना को बोलते बंद नहीं रहा तो मुंह पर ताला लगा बैठे हैं। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, जवाब देंगे कैसे? पत्रकार प्रेशर भी डालता है, सर कुछ तो बोल लीजिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। अब इस मामले पर बवाल मचा हुआ है जम्मू कश्मीर में, लोग इस मामले पर विद्रोह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके, अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की चौपट हो रखी है, आतंकवाद का सामना वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स थोप देना ये उचित नहीं है। बावजूद इसके भाजपाइयों ने जो मन बना लिया, तो एलजी साहब कहां रुकने वाले हैं, आदेश थोप दिया गया, इसका विरोध वहां की अलग अलग पार्टियां कर रही, भाजपा खामोश है जैसे रविंद्र रैना खामोश है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अशोक पांडे पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रैना साहब का वहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चल रहे बवाल पर यह शानदार बयान सबको सुनना चाहिए, लेकिन बयान शानदार तो तब हो जब रविंद्र रैना कुछ बोले, इन्होंने तो खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, जवान पर टेप लगा रखा है, मुंह पर ताला लगा हुआ है, एक शब्द इनके मुंह से कैसे निकलेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में हर मामले पर प्रदर्शन है, क्योंकि ये सरकार सही तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रही है। कश्मीरियों को बसाने का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने खुद देखा है कि वही कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर कर इसी भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जमीनें उनसे वापस मांगी जा रही, जहां एक और घर बसाने की बात थी, जहां झुग्गी
वही मकान, फिर कहां से आ गया बुलडोजर ये बनकर मेहमान भाई, ये कैसे हुआ? वहां पर 10 लाख एकड़ भूमि जो है खाली कराने के लिए बुलडोजर अलग अलग राज्यों से मंगा कर भेज दिए गए, चलाया गया बुलडोजर। नतीजा यह हुआ है कि वहां के लोग अब सड़कों पर हैं। उन लोगों को वैसे सेंसिटिव एरियाज में ट्रांसफर भी किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को या अन्य लोगों को, जहां लोग जाना नहीं चाहते। बावजूद सरकार उसकी सैलरी रोक देती है कि अगर आप वहां ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, लेकिन जान आफत में डालकर लोग कैसे जाएं? इसको लेकर भी वहां प्रदर्शन हुआ। यह सरकार है कि उनकी समस्याओं को सुनती नहीं है, विपक्ष बोलता रहता है, उनकी आवाजों पर भी पहरा लगा दिया जाता है। इस वजह से तो वहां का जो अपोजिशन है, वहां के जो अलग अलग दल के नेता है, वो कह रहे हैं कि यह सरकार तो हवा पे भी टैक्स लगा देगी। प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत छोटी बात हो गई फिर तो। इस मामले पर और क्या डिटेल में जानकारी है, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर देखिए। जम्मू कश्मीर मामले पर आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर के फैसले पर बवाल, पीडीपी बोली हमारी हवा पर भी सरकार टैक्स लगाए तो हैरानी नहीं। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को स्थापित करने की जरूरत है, पुनर्निर्माण का जो वादा किया गया जम्मू कश्मीर के लिए, उस वादे से मुकरती यह सरकार लोगों पर बोझ डाल रही है, प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ। और क्या तर्क दिया जा रहा है कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर अपवाद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कई राज्यों को विशेष राज्य का जब दर्जा मिलता है तो वह स्पेशल स्टेटस में क्यों जाता है? जम्मू कश्मीर तो वैसे भी सेंसिटिव स्टेट है, तो वहां पर ये स्पेशल मुद्दा क्यों नहीं होगा, इसका जवाब कौन देगा? इस मामले पर आज तक ने लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ने वाली आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तूफान आ गया है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी लाइन के नेताओं ने इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। और वहां जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक अचानक से प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ देना कतई उचित नहीं। बताया जाता है कि 5% से 6% तक प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। इस मामले पर पीडीपी की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जरा देखिए। पीडीपी का कहना है कि प्रशासन इस तरह का कर लगाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है। पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर की तुलना किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं की जा सकती। आतंकवाद के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा है, यह हमारे लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर यह सरकार उस हवा पर भी कर लगाती है जिसमें हम सांस लेते हैं। पीडीपी इस कदम के खिलाफ लड़ेगी। और पीडीपी के अलावा भी उमर अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की कि अब हमारी सुनता कौन है। उनका यह कहना था, हम कुछ कह भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कहा कि जब राजभवन से फैसले लिए जाते हैं और उसमें हम लोगों की राय मशविरा नहीं की जाती है, सलाह भी नहीं ली जाती है, तो फिर ऐसे में ये चाहते हैं कि राजभवन से लिए गए अनैतिक फैसलों पर भी हम मूक दर्शक बने रहेंगे, ये नहीं होगा। इस खबर के शुरुआत में आपने देखा कि कैसे रविंद्र रैना के मुंह पर ताला लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी वो बोलते भी। इस संबंध में आज तक ने ही जानकारी दी है। इसमें कहना है, जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा कि एलजी प्रशासन को पहले सार्वजनिक क्षेत्र में इस कदम पर चर्चा करनी चाहिए और संपत्ति कर लगाने के लाभों पर जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए था। संपत्ति कर हमारे देश में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर अपवाद नहीं हो सकता। ये रविंद्र रैना का स्टेटमेंट है। और इसके बाद ही शायद रविंद्र रैना को मुंह बंद रखने को कह दिया गया कि आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और मजबूर बेबस रविंद्र रैना पत्रकारों के सामने अपनी फजीहत करा बैठे, लेकिन मजाल क्या कि एक शब्द प्रॉपर्टी टैक्स पर बोल दे, नहीं बोलते। नतीजा देखिए, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हर मामले पर जम्मू कश्मीर प्रदर्शन ही प्रदर्शन झेल रहा है। लोगों की मजबूरी हो गई है कि वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करें। और ऐसे में दिल्ली से यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल संभव ही नहीं है। जरा धरातल पर जाकर ग्राउंड को देखिए, समझिए, पता चलेगा जम्मू कश्मीर किस कदर बदहाली से गुजर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।